हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? आपका आ गया है विद अनदर व्लॉग। तो आज ना आपका भाई जी जाने लगा है, मार्केट जाएंगे, उधर पासपोर्ट ऑफिस और नादरा का जो ऑफिस है ना उधर जाएंगे, ठीक है। उधर मैंने तो पासपोर्ट वगैरह नहीं बनवाना, मेरे जो बड़े भाई हैं ना जो आउट ऑफ कंट्री से आए हैं उनका पासपोर्ट है, उन्होंने रीन्यू करवाना था, तो मेरे हिसाब से रीन्यू हो गया। तो अब जो है ना जाने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं पासपोर्ट ऑफिस अपना सियालकोट का और नादरा ऑफिस। आ जाएं फिर चलते हैं। ये देखें इधर 1 बजे का टाइम हो गया, अभी तक जो है ना धुंध पड़ी हुई है, तो उतरी नहीं है धुंध कोई भी, और सूरज जो है ना इधर सियालकोट में सूरज मुश्किल ही है। बात तो सही है। अभी ना पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं भाई, ना पेट्रोल फिल करवाने गए हैं। तो ये मौसम देखें आप, धुंध पड़ी हुई है, तकरीबन 2 वीक हो गए हैं अभी तक जो है ना धुंध पड़ी हुई है, तो मौसम ठीक नहीं हो रहा। तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं जो है ना 3-4 दिन हो गया मुझे ब्लॉग अपलोड किए, तो आज मैंने कहा मैं चाहता हूँ ना बाहर, तो आज जो है ना ब्लॉग ना चाहता हूँ मैं। वो देखें ये धुंध की वजह से ना सूरज ना पड़ा, वो ऐसे जैसे बुझ नहीं गया। और चाचा खोल जा यार तोपला। इस जगह को ना शाबा फाटक बोलते हैं, ये शाहपुरा का ना पुल है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ये जो रोड है ना ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शाहपुरा रोड। इधर ना सारे जो रेस्टोरेंट है ना खाने पीने के, वो सारे इधर ही हैं। ये हमारा स्ट्रीट, हमारा जो स्ट्रीट फूड है ना सियालकोट का, ये वो समझ लें। तो ये जो अंदर करके ना पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है, कहता हूँ मैं आपको, ये कॉफ़ी वाली दुकानें हैं, ये खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो वो पासपोर्ट ऑफिस है ये वाला। ये भाई ने ना चैनल को सब्सक्राइब किया मेरे। पासवर्ड बनवाने आए हैं आप भी? हां जी भाई, पासवर्ड बनाने आए हैं। ये भाई भी पासवर्ड बनवाने आए हैं इधर। मैं देख रहा था आपको, मैं हाँ जी मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, तो मैंने कहा मैं जो है ना ब्लॉगिंग करता हूँ इधर आके। ये पहुँच गया आपका भाई ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सियालकोट। तो काफ़ी रश है इधर देखें, ये साथ ठेले लगे हुए हैं। ये जो लाइन है इधर, ये जो लाइन है ना इधर से पासवर्ड मिलता है, जो पासवर्ड लेने आए हैं ना उन्होंने इस लाइन में लगना है, और जिन्होंने बनवाना है ना उन्होंने ये वाली लाइन में लगना है। ये देखिए ऊपर नोट पे लिखा भी है, मेरा पासवर्ड अभी तक नहीं बना हुआ ना, मैंने अप्लाई किया है, तो आईडी कार्ड तो बना हुआ है। आज उधर नादरा में जाना है ना, वो अम्मी का जाना आईडी कार्ड लेने जाना है, वो खुद नहीं ना आ सकते, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं लेने जा रहा हूँ। पासपोर्ट मिल गया है तो जाने लगे हैं इधर से। इधर से भी एक सब्सक्राइबर आपके भाई ने पक्का करवा लिया, ठीक है। तो अभी चलते हैं नादरा ऑफिस चलते हैं, उधर से अम्मी का आईडी कार्ड लेते हैं, तो फिर चलते हैं घर, ठीक है। नादरा ऑफिस पहुंच गए हैं, पीछे देखें तो आईडी कार्ड लेते जाने लगे हैं। ये इधर जो है ना इधर बनाने के लिए जाते हैं, जमा करवाने के लिए, और इधर जो है ना कार्ड वसूल करने के लिए ऊपर तशरीफ लाएँ। एलिवेटर भी लगा हुआ है, देखते हैं भाई क्या बात है। ये है इधर से ना कार डिलीवरी ऊपर लिखा हुआ है, बाकी देखिए बाकी सब कुछ खाली है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, रोड नज़र आ रहा है। चलो ठीक है, मैं अंदर से जाके अंदर वीडियो बनाना, अलाउ नहीं होगी अंदर से जाके, मैं कार्ड का पता करके आता हूँ। भाई ऑफिस से आ गए हैं, तो कार्ड वगैरह उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि फिजिकल अपेयरेंस होगी ना, जिस बंदे ने कार्ड लेना ना खुद आए, मुझे कह रहे थे कि मामा को साथ लेके आना फिर कार्ड मिलेगा। तो अभी जाने लगे हैं इधर से, घर चलते हैं। आईडी कार्ड तो नहीं मिला, तो उसी रोड पे ना जो डिफेंस रोड का पुल है ना उसके साथ ही गली में ना दुकान है पकौड़ों की, सियालकोट में ना सबसे मशहूर पकौड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बाबा बलोज लाहौड़ी पकौड़ा शॉप, इनके पकौड़े जो है ना सियालकोट में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो आ जाए फिर इनका टेस्ट चेक करते हैं, रिव्यू देते हैं इनका, की सिटी किधर है।
अस्सलाम वालेकुम जी। लुक लाइक तो देखे हैं, मजे के लग रहे हैं। अंदर आपने सीटिंग देखी जी, अंदर सीटिंग फुल थी, तो मैंने ना पैक करवा लिए हैं। मुझे तकरीबन ना 20 मिनट हो गए हैं खड़े। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कैसे खड़े हैं लोग, ये देखें बाहर कैसे खड़े हैं। मैंने भी ना ऐसे खड़े हो गए ना लिए हैं। तो अपना घर जा कर ना इसको ट्राई करेंगे, इनकी चटनी तो ऐसी, ये देखें ग्रीन चटनी है। घर जा कर ट्राई करेंगे और इसका रिव्यू देते हैं कि कैसा है। वो नाम के मशहूर है या इनका टेस्ट भी है। आ जाए फिर चलते हैं घर जा कर इसका रिव्यू देते हैं। बाहर नहीं भेजनी है, यूट्यूब पे चढ़नी है। व्लॉग बना रहे हैं ना नाल। प्रिया फाइनली घर पहुंच गया है। मैं देखा था नान वगैरह भी ले लिया है, ठीक है। तो उधर सिटिंग काफ़ी ज़्यादा थी, उधर बैठ के खाया नहीं था जाना, तो ना वीडियो बनाई जानी थी अच्छे तरीके से। मैंने कहा घर लेके जाता हूँ, अपना इसको खोल के ना तो इसको टेस्ट करके ना इसका रिव्यू देते हैं कैसे हैं। क्योंकि इसको बोलते हैं सियालकोट के ना सबसे मशहूर पकौड़े, तो मैं खा के ना तो टेस्ट बताता हूँ आपको मशहूर है या नहीं। पकौड़े ट्राई करने लगे हैं, पहले मैं आपको इसकी ना चटनी दिखाता हूँ, ये पास करके दिखाया जरा। ऐसी चटनी आपने देखी होगी, ये ग्रीन कलर की चटनी है। साथ ये पकौड़े हैं, दो किस्म के पकौड़े थे, बेसन वाले और आलू वाले। मैंने जो है ना आलू वाले लिए हैं, साथ मैंने टिक्की भी ली है, तो ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, मुझे नहीं था लगा इतने मज़े के होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़े के हैं। इसकी टिक्की भी ट्राई करते हैं। मज़ा आया। इनकी टिक्की भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। मैंने जिधर से भी ना आज तक नान पकौड़े खाए हैं ना, ये वाले जो पकौड़े हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के हैं, ठीक है। इनकी जो चटनी है ना ग्रीन कलर की, ये ज़रा डिफरेंट चटनी है और काफ़ी ज़्यादा मज़े की चटनी है। तो आपने भी जिसने भी खाने हैं ना तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। काफ़ी मज़े के हैं। नान उधर से मैंने ही लाया, ठंडे हो जाने थे तो नान मैंने इधर से जा कर लिए थे, जो पास तंदूर है ना हमारा उधर से। तो अभी के लिए तो यही ज़्यादा, मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।